बॉबी देओल ऑल मूवी लिस्ट 1995 2022 जन्म 27 जनवरी 1969 उम्र 53 वर्ष जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र पिता धर्मेंद्र माता प्रकाश कौर भाई सनी देओल। 1977 में आई फिल्म धर्मवीर में बॉबी देओल ने धर्मेंद्र के बचपन का रोल निभाया था और यह बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से उस टाइम की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। 29 सितंबर 1995 में एज ए हीरो इनकी पहली फिल्म बरसात आई थी और स्टारिंग बॉबी देओल, ट्विंकल खन्ना, मुकेश खन्ना। बजट 8 करोड़ 25 लाख, कलेक्शन 34 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर यह सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। 4 जुलाई 1997 को तीसरी फिल्म गुप्त स्टारिंग बॉबी देओल, मनीषा कोइराला, काजोल। बजट 9 करोड़ 50 लाख, कलेक्शन 33 करोड़ 23 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई थी। 15 अगस्त 1997 को चौथी फिल्म प्यार हो गया स्टारिंग बॉबी देओल, ऐश्वर्या राय, अनुपम खेर। बजट 6 करोड़ 25 लाख, कलेक्शन 13 करोड़ 85 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। 17 जुलाई 1998 को पांचवी फिल्म करीब स्टारिंग बॉबी देओल, नेहा, शमी कपूर। बजट 6 करोड़ 50 लाख, कलेक्शन 12 करोड़ 93 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। 20 नवंबर 1998 को छठवीं फिल्म सोल्जर स्टारिंग बॉबी देओल, प्रीति जिंटा, सुरेश ओबेराय। बजट 8 करोड़ 25 लाख, कलेक्शन 38 करोड़ 88 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। 19 नवंबर 1999 को इनकी सातवीं फिल्म दिल लगी स्टारिंग सनी देओल, बॉबी देओल, उर्मिला मातोड़कर। बजट 14 करोड़, कलेक्शन 21 करोड़ 21 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। 11 फरवरी सन 2000 में आठवीं फिल्म बादल स्टारिंग बॉबी देओल, रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी। बजट 10 करोड़, कलेक्शन 26 करोड़ 91 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह हिट मूवी साबित हुई थी। 26 मई सन 2000 को नौवीं फिल्म हम तो मोहब्बत करेगा स्टारिंग बॉबी देओल, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर। बजट 7 करोड़ 50 लाख, कलेक्शन 9 करोड़ 92 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। 7 जुलाई सन 2000 को दसवीं फिल्म बिच्छू स्टारिंग बॉबी देओल, रानी मुखर्जी, फरीदा जलाल। बजट 7 करोड़ 50 लाख, कलेक्शन 18 करोड़ 17 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई। 26 जनवरी 2001 को 11वीं फिल्म आशिक स्टारिंग बॉबी देओल, करिश्मा कपूर, अनुपम खेर। बजट 9 करोड़, कलेक्शन 18 करोड़ 17 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लो एवरेज साबित हुई। 21 सितंबर सन 2001 को 12वीं फिल्म अजनबी स्टारिंग बॉबी देओल, अक्षय कुमार, करीना कपूर। बजट 17 करोड़, कलेक्शन 31 करोड़ 83 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई। 7 जून सन 2002 को 13वीं फिल्म शहीद स्टारिंग सनी देओल, बॉबी देओल, अमृता सिंह। बजट 20 करोड़, कलेक्शन 14 करोड़ 25 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई। 5 जुलाई सन 2002 को 14वीं फिल्म हमाराज स्टारिंग बॉबी देओल, अक्षय खन्ना, अमीषा पटेल। बजट 15 करोड़, कलेक्शन 29 करोड़ 50 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई। 30 अगस्त सन 2002 को 15वीं फिल्म चोर मचाए शोर स्टारिंग बॉबी देओल, शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसु। बजट 8 करोड़ 50 लाख, कलेक्शन 13 करोड़। बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। 8 मार्च सन 2002 को 16वीं फिल्म क्रांति स्टारिंग बॉबी देओल, विनोद खन्ना, अमीषा पटेल। बजट 9 करोड़, कलेक्शन 11 करोड़ 20 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। 24 फरवरी सन 2006 को
17वीं फिल्म हमको तुमसे प्यार है, स्टारिंग बॉबी देओल, अर्जुन रामपाल, अमीषा पटेल। बजट 7 करोड़ 50 लाख। कलेक्शन नॉट अवेलेबल। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। 6 अप्रैल 2007 को 18वीं फिल्म शाकालाका बूम बूम, स्टारिंग बॉबी देओल, सेलिना जेटली, कंगना रानावत। बजट 12 करोड़। कलेक्शन 10 करोड़। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। 15 जून 2007 को 19वीं फिल्म झूम बराबर झूम, स्टारिंग बॉबी देओल, अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा। बजट 27 करोड़। कलेक्शन 49 करोड़। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। 29 जून 2007 को 20वीं फिल्म अपने, स्टारिंग धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल। बजट 20 करोड़। कलेक्शन 39 करोड़ 28 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। 13 जुलाई 2007 को 21वीं फिल्म नकाब, स्टारिंग बॉबी देओल, अक्षय खन्ना, उर्वशी शर्मा। बजट 19 करोड़। कलेक्शन 21 करोड़ 20 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह एक फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। 29 अगस्त 2008 को 22वीं फिल्म चमकू, स्टारिंग बॉबी देओल, इरफान खान, प्रियंका चोपड़ा। बजट 10 करोड़। कलेक्शन 3 करोड़ 9 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। 24 अक्टूबर 2008 को 23वीं फिल्म हीरोज, स्टारिंग सनी देओल, बॉबी देओल, सलमान खान। बजट 18 करोड़। कलेक्शन 25 करोड़ 44 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। 14 नवंबर 2008 को 24वीं फिल्म दोस्ताना, स्टारिंग अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, बॉबी देओल। बजट 40 करोड़। कलेक्शन 87 करोड़ 15 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह एवरेज फिल्म साबित हुई थी। 27 मार्च 2009 को 25वीं फिल्म एक द पावर ऑफ वन, स्टारिंग बॉबी देओल, नाना पाटेकर। बजट 21 करोड़। कलेक्शन 9 करोड़ 15 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। 11 सितंबर 2009 को 26वीं फिल्म वादा रहा, स्टारिंग बॉबी देओल, कंगना रानावत। बजट कलेक्शन नॉट अवेलेबल। बॉक्स ऑफिस पर यह डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। 13 अगस्त 2010 को 27वीं फिल्म हेल्प, स्टारिंग बॉबी देओल, मुग्धा घोष। बजट 8 करोड़। कलेक्शन 3 करोड़ 9 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। 14 जनवरी 2011 को 28वीं फिल्म यमला पगला दीवाना, स्टारिंग धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल। बजट 29 करोड़। कलेक्शन 88 करोड़ 72 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह हिट मूवी साबित हुई थी। 8 अप्रैल 2011 को 29वीं फिल्म थैंक यू, स्टारिंग अक्षय कुमार, बॉबी देओल, सुनील शेट्टी। बजट 61 करोड़। कलेक्शन 71 करोड़ 2 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। 6 जून 2012 को 30वीं फिल्म प्लेयर्स, स्टारिंग बॉबी देओल, अभिषेक बच्चन, बिपाशा बसु। बजट 55 करोड़। कलेक्शन 48 करोड़ 56 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। 7 जून 2013 को 31वीं फिल्म यमला पगला दीवाना 2, स्टारिंग धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल। बजट 46 करोड़। कलेक्शन 48 करोड़ 35 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। 8 सितंबर 2017 को 32वीं फिल्म पोस्टर बॉय, स्टारिंग बॉबी देओल, सनी देओल। बजट 27 करोड़। कलेक्शन 17 करोड़ 8 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। 15 जून 2018 को 33वीं फिल्म रेस 3, स्टारिंग अनिल कपूर, बॉबी देओल, सलमान खान। बजट 185 करोड़। कलेक्शन 212 करोड़ 95 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई थी।
30 अगस्त सन 2018 को 34वीं फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से स्टारिंग धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल। बजट 36 करोड़, कलेक्शन 15 करोड़ 40 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। 25 अक्टूबर 2019 को 35वीं फिल्म हाउसफुल 4 स्टारिंग अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख। बजट 162 करोड़, कलेक्शन 294 करोड़ 80 लाख। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। 21 अगस्त सन 2020 को 36वीं फिल्म क्लास ऑफ 83 स्टारिंग बॉबी देओल, गीतिका त्यागी। यह फिल्म नेटफ्लिक्स OTT पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लो एवरेज साबित हुई थी। 25 फरवरी सन 2022 को 37वीं फिल्म लव हॉस्टल स्टारिंग बॉबी देओल, सोनल झा, विक्रांत मेसी। यह फिल्म G5 OTT पर रिलीज हुई थी। हिट एंड फ्लॉप नॉट अवेलेबल। 1995-2022 द एंड ऑफ मूवी लिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।